मध्य प्रदेश में कोविड अस्पतालों में निर्धारित की गई इलाज की रकम से अधिक कोई अस्पताल वसूलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह बात सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कही। देखें ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सांची में भगवान बुद्ध की अस्थियों की पूजा करने के बाद विदिशा दौरे पर आए, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को सांची में होने वाले भव्य महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। सांकेतिक रूप से सिर्फ पूजा अर्चना की गई है। आज बौद्ध महोत्सव का आप सबको पता है कि हर प्रति वर्ष जो मेला लगता है वहाँ पर, जो भगवान बुद्ध के जो शिष्य सारी बुद्ध महामोह गलाएँ उनकी जो अस्थियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं, और हर साल नवंबर के लास्ट संडे को अस्थियों को निकाला जाता है, उनकी पूजा होती है। लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण मेला स्थगित कर दिया गया और महोत्सव भी स्थगित कर दिया गया, लेकिन पूजन वहाँ पर थी। उसमें 10 बजे मुझे उपस्थित होना था, मैं वहाँ था। वहाँ से आज विदिशा में हूँ, सब लोगों से हमारे कार्यकर्ताओं सब लोगों से मिलना जुलना वहाँ पर। उपचुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार बने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कहा। सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, आदरणीय श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सब लोगों का सहयोग वहां पर रहा और उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं विदिशा जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर ठीक ढंग से काम कर रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड अस्पतालों में निर्धारित किए गए इलाज की रकम से अधिक कोई अस्पताल वसूलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको सबको जानकारी है कि जो हमारा कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, अभी पिछले 10 दिन से फिर से मध्य प्रदेश में केसों की संख्या बढ़ी है और लगभग 1700 केस पर डे हमारे निकल रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से स्थिति कंट्रोल में हुई है। 1600 करीब हम रहे हैं। और रही बात विदिशा की, तो विदिशा में भी पूरे स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी संक्रमण जो फैला है उसको हम लोग रोक सकें। आज लगभग मेरे ख्याल से 28 केस निकले हैं और 274 करीब अभी विदिशा जिले में अभी एक्टिव केस हैं। और पूरा जो अभियान चलाया जा रहा है, हर दिन मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं। आज ही फिर 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में के माध्यम से मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे। मैं आज यहीं विदिशा से कलेक्ट्रेट से उस डीसी को ज्वाइन करूंगा और पूरी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का हम लोगों का प्रयास है। जनता से मास्क है, निःशुल्क इलाज सभी कोरोना पेशेंटों के लिए कर रही है। कुछ जगहों पर हम लोगों ने कुछ हॉस्पिटल हैं उन्हें चिन्हित किया है और उनको भी एक लिमिट दिया है कि कितना ही आप चार्ज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कोई कहीं चार्ज होता है तो वो अगर शिकायत करेगा तो उसकी हम पूरी जांच कराएंगे। नहीं, जब सरकारी हम लोग पूरा इलाज करा रहे हैं, फ्री करा रहे हैं, तो हम नागरिकों से और सबसे अनुरोध है कि वहाँ से कराएं, सरकारी उससे कराएं, प्राइवेट हो जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। बता दें कि बीते कुछ दिनों में विदिशा में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। शहर में कई कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, विदिशा।